फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपको अपना चैनल अब पढ़ेगा इंडिया पे। आज हम इस वीडियो में लेकर आए हैं लूसेंट समान ज्ञान का जो सीरीज चलाई जा रही है उसका आज का टॉपिक है धार्मिक आंदोलन। तो आज इस वीडियो में हम धार्मिक आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें एवं बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और लूसेंट समान ज्ञान का जो सीरीज चलाई जा रही है उसमें कई चैप्टर के वीडियो अपलोड किए गए हैं, तो पहले आप उसे देख लें फिर इस वीडियो को देखें। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए? तो जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए। अगर पहले तीर्थंकर की बात करें तो सबसे पहले तीर्थंकर है भगवान ऋषभदेव एवं 23वें तीर्थंकर है पार्श्वनाथ और सबसे लास्ट यानी 24वें तीर्थंकर हैं महावीर, भगवान महावीर। तो इस तरह से इसका सही आंसर होगा सी नंबर, कुल 24 तीर्थंकर हुए। आगे देखेंगे सेकंड नंबर, त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है। तो त्रिपिटक क्या का है? बौद्धों का है, धर्म ग्रंथ बौद्धों का है। और त्रिपिटक का मतलब होता है तीन पिटारी। और यह जो त्रिपिटक है यह बौद्ध धर्म का प्राचीनतम ग्रंथ है जिसमें भगवान बुद्ध के उपदेशों को संग्रह किया गया है और यह जो ग्रंथ है वो पाली भाषा में लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे थर्ड नंबर, बुद्ध ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर महापरिनिर्वाण यानी मृत्यु प्राप्त किया था? तो बुद्ध ने मृत्यु प्राप्त कहाँ किया था? वो होगा कुशीनारा या कुशीनगर। यह कहाँ स्थित है? तो यह गोरखपुर से 50 किलोमीटर पूर्व के साइड में बौद्ध धर्म का एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है कुशीनगर। यहीं पास बौद्ध का महापरिनिर्वाण यानी कि बुद्ध का मृत्यु हुआ था। यह कहाँ है? यूपी में। आगे देखेंगे फोर नंबर, किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया था धर्मपाल के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, धर्मपाल। नालंदा एवं विक्रमशिला दोनों पाल राजवंश में शिक्षा का एक प्रसिद्ध केंद्र था। क्या था? नालंदा और विक्रमशिला दोनों बिहार का विश्वविद्यालय था। यह पाल वंश के टाइम में प्रसिद्ध केंद्र था और इसकी स्थापना हुई थी 8वीं सदी में धर्मपाल के द्वारा। प्रसिद्ध पंडित अतीश दिवंकर यही शिक्षक थे। फिर से देखिए इसे, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुआ था? 8वीं सदी में। और वहां जो शिक्षण थे वो कौन थे? पंडित अतीश दीपंकर शिक्षण थे। आगे देखेंगे फाइव नंबर, किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगति को संरक्षण प्रदान किया गया था? तो किसके द्वारा किया गया था? इसका सही आंसर होगा अशोक। और तृतीय बौद्ध संगति है जो अशोक के समय में ही पाटलिपुत्रा में हुआ था। और कहाँ हुआ था? तो पाटलिपुत्रा में एक जगह का नाम है अशोकराम, अशोकराम नामक स्थान पर तृतीय बौद्ध संगति बुलाई गई थी। आगे देखेंगे सिक्स नंबर है, बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई थी? तो इसका सही आंसर होगा सी नंबर, पाली भाषा में इसकी रचना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन सेवन नंबर देखेंगे, किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ? तो यह हुआ था अशोक के समय में। आगे देखेंगे एट नंबर, सांची क्यों विख्यात है? तो सांची जो है वो विख्यात है सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप के लिए। सांची एमपी में है और एमपी के रायसेन जिला में स्थित है बेतवा नदी के तट पर। और यह जो सांची है छोटे बड़े स्तूपों के लिए काफी विख्यात है जिसमें से स्तूप संख्या 2 यहाँ का सबसे बड़ा है। तो बड़ा बौद्ध स्तूपों के लिए सांची विख्यात है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर, महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? तो यह हुआ था जात्रिक। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, जात्रिक में। और महावीर का जो जन्म हुआ था 599 ईस्वी पूर्व में वैशाली के कुंडनपुर में इच्छवाकु वंश में हुआ था। और इनके पिता का नाम था सिद्धार्थ एवं माता का नाम था त्रिशला। इनका जन्म के बाद जब इनका जन्म हुआ था उसके बाद इनके राज्य में काफी उन्नति होने लगी थी जिसके कारण इनका नाम
वर्धमान रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 10 नंबर, महावीर की माता कौन थी? तो महावीर का माता कौन थी, अभी हमने देखा, त्रिशला। 11 नंबर, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? तो अंतिम व्यक्ति कौन था, वो था शुभद। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा था? तो सबसे प्राचीनतम विश्वविद्यालय था वो था नालंदा। 13 नंबर, किस भाषा का ज्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया था? तो सबसे ज्यादा प्रयोग किया गया था वो था पाली, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, पाली। पाली साहित्य में ही मुख्यतः बौद्ध धर्म के संस्थापक जो थे बुद्ध थे, महात्मा बुद्ध, उनका उपदेश का संग्रह मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 14 नंबर, महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी, ऑप्शन नंबर डी, पावापुरी में। 527 ईस्वी पूर्व में 72 वर्ष की अवस्था में इनकी मृत्यु, यानी महावीर की मृत्यु पावापुरी, जो कि राजगीर में है, पावापुरी में कार्तिक कृष्णा अमावस्या को इनकी मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15 नंबर, जैनियों के प्रथम तीर्थंकर कौन से कौन थे? तो प्रथम तीर्थंकर कौन थे, वो है ऋषभदेव। पार्श्वनाथ 23वें थे और 24वें महावीर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 16 नंबर, मठ मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित है? तो यह है बौद्ध धर्म से संबंधित है। 17 नंबर, बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासन काल में दिए गए थे? तो दोनों का उपदेश किसके शासन काल में दिए गए थे, वो थे बिंबिसार। 18 नंबर, गौतम बुद्ध ने अपना पहला प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो कहाँ दिए थे, पहला उपदेश इन्होंने दिए थे सारनाथ में। गौतम बुद्ध को जब ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी तो उसके बाद इन्होंने पहला उपदेश सारनाथ में दिए थे, और यह सारनाथ जो है वो वाराणसी से 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जिसे यानी कि जो प्रथम उपदेश है जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। बौद्ध धर्म के 4 प्रमुख स्थल है, पहला लुम्बिनी जहाँ उनका जन्म हुआ था, बोधगया जहाँ उनकी ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, लुम्बिनी जन्म, बोधगया ज्ञान की प्राप्ति, सारनाथ जहाँ उन्होंने वो पहला उपदेश दिए थे, और कुशीनगर जहाँ इनकी मृत्यु हुई थी। और सारनाथ में जो पहला उपदेश दिए थे इसे धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। आगे देखेंगे, 19 नंबर, बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? तो पहली महिला थी प्रजापति गौतमी। 20 नंबर, बोधगया स्थित है, तो बोधगया बिहार में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 21 नंबर, जातक किसका ग्रंथ है? तो जातक है बौद्ध का ग्रंथ, ऑप्शन नंबर सी, बौद्ध का ग्रंथ। और जातक में भगवान बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं भी शामिल है। 22 नंबर, सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो ज्ञान की प्राप्ति इनको हुआ था बोध गया में, जो कि गया में स्थित है। 23 नंबर, सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है, तो जो प्रथम प्रवचन है वो कहलाता है धर्मचक परिवर्तन। 24 नंबर, बौद्ध धर्म में समाज के निम्न वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला, तो कौन से वर्ग पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाले थे? तो यह महिला और शूद्र। 25 नंबर, बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है, तो गृह त्याग का क्या प्रतीक है, यह घोड़ा, और हाथी जो है वो बुद्ध को गर्भ में आने का प्रतीक है। बुद्ध का जन्म लेने का प्रतीक है वो है कमल। इनका ज्ञान का प्रतीक पीपल, समृद्धि का शेर, निर्माण का पद चिन्ह एवं मृत्यु का स्तूप है। नेक्स्ट देखेंगे, 26 नंबर, गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुनी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? तो भिक्षुनी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी, ये होगा वैशाली। वैशाली में ही अस्थावीर आनंद के प्रयास से भिक्षुनी संघ की स्थापना की गई थी इनके द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 27 नंबर,
सर्वप्रथम शून्यवाद का प्रतिपादक करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम है, तो इनका नाम क्या है? नागार्जुन। 28 नंबर, महावीर का मूल नाम था, तो महावीर का मूल नाम क्या था? वर्धमान। 29 नंबर, किसे एशिया की शेरनी, एशिया की रोशनी, द लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है, तो द लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है गौतम बुद्ध को। 30 नंबर, दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था, तो इसका निर्माण कराया था चालुक्यों द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर, नागार्जुन कौन थे, तो नागार्जुन थे वो एक बौद्ध दार्शनिक थे। 32 नंबर, जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थंकर थे, तो जो महावीर थे वो सबसे लास्ट यानी कि 24वें तीर्थंकर थे, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। 33 नंबर, जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है, तो जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है अहिंसा। 34 नंबर, जियो और जीने दो किसने कहा, तो यह कहा कहे थे महावीर स्वामी। और इनके अनुसार जियो और जीनो दो का मतलब होता है मन वचन कर्म से न की जाने वाली अहिंसा, इसका मतलब होता है जियो और जीने दो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 35 नंबर, तीर्थकरों के क्रम में अंतिम कौन थे, तो अंतिम महावीर थे। 36 नंबर, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है, तो पूर्ण ज्ञान के लिए शब्द का प्रयोग किया गया है वो है कैवल्य। 37 नंबर, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था, तो महावीर स्वामी का जन्म हुआ था कुंडग्राम। नेक्स्ट देखेंगे 38 नंबर, कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति किस नगर में आयोजित की गई थी, तो यह आयोजित की गई थी कुंडन बन जो कि कश्मीर में है। आगे देखेंगे 39 नंबर, तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित हुई थी, तो तृतीय बौद्ध संगीति थी वो पाटलिपुत्रा में यानी पाटलिपुत्र में आयोजित हुई थी, और इस तृतीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने किया था, तो यह तीस ने इसकी अध्यक्षता की थी। और इसी संगीति में अभिधाम पीटक की रचना हुई और बौद्ध भिक्षुओं को विभिन्न देशों में प्रचार के लिए भेजा गया, और उसी टाइम में अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संगमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर, अशोक के शासनकाल में बौद्ध संगीति किस नगर में आयोजित की गई थी, तो बौद्ध संगीति आयोजित की गई थी पटना में। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 नंबर, निम्नलिखित में कौन सी बात बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में समान नहीं है, यानी कौन सी बात समान नहीं है, तो वो होगा आत्मदहन, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। दोनों धर्मों में महत्वपूर्ण अंतर आत्मा के विचार को लेकर ही है, बौद्ध धर्म में अनात्मवादी है, क्या है, बौद्ध धर्म अनात्मवादी है पर वह पुनः जन्म में विश्वास करता है, लेकिन जैन धर्म आत्मा में विश्वास करता है, क्या है, बौद्ध धर्म पुनः जन्म में विश्वास करता है लेकिन जैन धर्म आत्मा में विश्वास करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 नंबर, निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध संगीति आयोजित की गई थी, तो प्रथम बौद्ध संगीति थी वो राजगीर में, राजगृह के सप्तपर्णी गुफा में 483 ईस्वी पूर्व में प्रथम बौद्ध संगीति की आयोजन की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 नंबर, 43 में क्या है, स्तंभ 1 स्तंभ 2 को मैच कराना है, तो यह है बुद्ध के जीवन के चार महत्वपूर्ण घटनाओं एवं उससे संबंधित स्थानों का नीचे उल्लेख है, ऐसे सुमेल करना है। तो ए में है जन्म, तो इनका जन्म कहाँ हुआ था, इनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था, ज्ञान की प्राप्ति बोधगया में हुआ था, प्रथम प्रवचन सारनाथ में एवं निधन कुशीनगर में। आगे देखेंगे 44 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालीन जैन ग्रंथ कहलाता है, तो यह है 14 पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 नंबर,
आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो आजीवक संप्रदाय के संस्थापक है मैथिली घोषाल। 46 नंबर, भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था? तो इसमें सबसे अत्यधिक योगदान था हिंद यूनानी का। भागवत धर्म था, जो भागवत धर्म का चरमोत्कर्ष हुआ चौथी और पांचवी सदी में गुप्त के शासनकाल में ही हुआ था। कब हुआ था? चौथी एवं पांचवी शासनकाल में सदी में, जब गुप्त वंश का शासन था। गुप्त राजाओं ने परम भागवत की उपाधि भी धारण किया था, लेकिन गुप्तों से पूर्व ही हिंद यूनानी शासक ने विदिशा में गरुड़ ध्वज स्थापित किया था। कौन था? गुप्त वंश से पहले हिंदी यूनानी शासक जो विदिशा में गरुड़ ध्वज की स्थापना किया था और एवं स्वयं को खुद को इन्होंने परम भागवत घोषित किया था, इसलिए इसका सही आंसर होगा हिंद यूनानी, उसके बाद ही गुप्त वंश का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 47 नंबर, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? तो भगवान महावीर का प्रथम शिष्य था जमाली। 48 नंबर, त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक धारण, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान, जिस धर्म की महिमा है वह है, तो वह कौन सा है? जैन धर्म। आगे देखेंगे 49 नंबर, कथन ए है, कुशीनगर मल गणराज की राजधानी थी। बिल्कुल सही है। कथन आर है, महात्मा बुद्ध का परिनिर्माण कुशीनगर में हुआ था। ये दोनों सही है, यानी कि इसका सही आंसर होगा बी नंबर, ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की व्याख्या नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर, निम्नांकित कथनों का विचार करें एवं चैत व बिहार में क्या अंतर है इसे चुने। तो चैत और बिहार में क्या है? चैत होता है वो पूजा स्थल होता है, जबकि बिहार निवास स्थान है। चैत क्या है? पूजा स्थल, और बिहार निवास स्थान। नेक्स्ट देखेंगे 51 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? तो यह कौन सा स्थल है? समेध शिखर। 52 नंबर, बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? तो किसने की थी इनके मृत्यु के बाद? महाकश्यप। नेक्स्ट क्वेश्चन 53 नंबर, निम्नलिखित में से बुद्ध के जीवन काल में से संघ प्रमुख होना चाहता था? तो देवदत्त जो था वो बुद्ध के जीवन काल में ही संघ का प्रमुख होना चाहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन 54 नंबर, हेलियोडोरस का बेशनगर अभिलेख संदर्भित है, यह क्या है? केवल वासुदेव से। 55 नंबर, बौद्ध धर्म के विषय में कौन से कथन सही है? पहला नंबर, उसने वर्ण एवं जाति को स्वीकार किया नहीं किया, सही है। उसने ब्रह्म वर्ग की सर्वोच्च सामाजिक कोटि को चुनौती दी, बिल्कुल सही है। उसने कुछ एक शिल्पों को हीन एवं निम्न माना, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1, 2, 3 तीनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 56 नंबर, वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की? तो सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की थी? यह है शातवतों ने। 57 नंबर, निम्नलिखित चार स्थानों में हुई बौद्ध संगीतियों का सही कालक्रम नीचे दिए हुए कूट से ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले कहाँ हुआ था? सबसे पहले हुआ था प्रथम बौद्ध संगीति राजगृह, दूसरा हुआ था वैशाली, तीसरा हुआ था पाटलिपुत्र, और चौथा कुंडन वन जो कि कश्मीर में है। तो इस तरह से इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट देखेंगे 58 नंबर, गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसे नामित किया था? तो किसी को इन्होंने नामित नहीं किया था, इसका सही आंसर होगा डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 59, श्यादवाद सिद्धांत है, तो श्यादवाद सिद्धांत है वो जैन धर्म का है। 60 नंबर,
गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईस्वी पूर्व में। आगे देखेंगे 61 नंबर, बौद्ध शिक्षा का केंद्र था। तो बौद्ध शिक्षा का केंद्र माना जाता था विक्रमशिला विश्वविद्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन 62 नंबर, भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? तो सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है जो कि सांची में स्थित है। 63 नंबर, निम्न में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है? तो सबसे पहले जो वर्णन किया गया सर्वप्रथम वो छंदो उपनिषद में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 64 नंबर, जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे? श्वेतांबर के संस्थापक थे अस्थूल भद्र। 65 नंबर, भारत में सबसे प्राचीन बिहार है? तो सबसे प्राचीन बिहार भारत में है वो है नालंदा। 66 नंबर, प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? प्रथम जैन महासभा का आयोजन हुआ था पाटलिपुत्र में। 67 नंबर, द्वितीय जैन महासभा का आयोजन हुआ था, तो द्वितीय हुआ था, प्रथम हुआ था पाटलिपुत्र में और द्वितीय हुआ था बलबी में यानी गुजरात में। बलबी कहाँ है? गुजरात में। 68 नंबर, जैन साहित्य का संकलन किस भाषा व लिपि में है? तो इसका संकलन है वो प्राकृत भाषा एवं अर्धमघी लिपि में है। 69 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों से समकालिक नहीं था? तो एक कौन था? मिलिंद, बिंबिसार, गौतम बुद्ध, प्रसेनजीत एक ही टाइम के थे, मिलिंद इनमें से अलग हैं। 20 नंबर, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इन कथनों में कौन से सही हैं? तो इन कथनों में कौन सही है? पहला देखेंगे, वर्धमान महावीर की माता लिच्छवी के गणेश चेतक की पुत्री थी। चेतक की पुत्री नहीं थी, चेतक की बहन थी, इसलिए ये गलत हो जाएगा। दूसरा है, गौतम बुद्ध की माता कोलिये राजवंश की राजकुमारी थी, ये सही है। तीर्थवे 23 में तीर्थकर पार्श्वनाथ बनारस के थे, ये भी सही है। तो इसका सही आंसर होगा सी नंबर, दूसरा और तीसरा। नेक्स्ट देखेंगे 21 नंबर, प्राचीन भारत के बौद्ध मठों में पवरण नामक समारोह आयोजित किया जाता था जो वर्षा ऋतु के दौरान, इसका बी होगा सही आंसर, वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों को स्वीकारोक्ति का अवसर होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर, कश्मीर में कनिष्क के शासन काल में जो बौद्ध संगीति आयोजित हुई उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो उसकी अध्यक्षता की थी वसुमित्र ने। वसुमित्र जो थे वो प्रसिद्ध बौद्ध दार्शनिक एवं लेखक थे और यह कनिष्क के समकालीन थे। और चौथी जो बौद्ध संगीति हुई थी इसका सभापतित्व यानी अध्यक्षता भी वसुमित्र ने ही किया था। आगे देखेंगे 23 नंबर, कथन ए है और कथन आर है। जैन धर्म के अहिंसा पर बल ने कृषकों को जैन धर्म अपनाने से रोका। कथन आर है, कृषि में कीटों एवं कीड़ों की हत्या होना शामिल है। बिल्कुल सही है, तो दोनों सही है, ए और आर दोनों सही है और आर ए की व्याख्या करता है, इसलिए सही इसका सही आंसर होगा ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर, अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना अंग है, तो यह क्या है? धर्म चक्र प्रवर्तन सूत के विषय वस्तु का। 25 नंबर, मिलिंद पन्हो यानी मिलिंद के प्रश्न राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है? तो यह है राजा मिलिंद और नागसेन। क्या है? नागसेन के मध्य संवाद के रूप है। नागसेन जो थे एक बौद्ध भिक्षु थे और यह कश्मीर के निवासी थे
और मिलिंद पन्हों में मिलिंद द्वारा बौद्ध धर्म के संबंध में उनसे पूछे गए प्रश्नों का वर्णन है। इस ग्रंथ का यानी कि मिलिंद पन्हों का संस्कृत रूप नागसेन भिक्षु सूत्र है। क्या इसका संस्कृत रूप? नागसेन भिक्षु सूत्र है। आगे देखेंगे 26 नंबर, महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और किस अन्य नाम से जानते हैं? तो इनका और अन्य नाम क्या है? ऑप्शन नंबर सी, पद्मपाणि। 27 नंबर, बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों ही विश्वास करते थे कि स्त्री एवं पुरुष दोनों ही मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं? ऑप्शन नंबर सी। 28 नंबर, बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर कौन सा है? कौन सा मौलिक अंतर था? वो है देवी देवताओं की पूजा। 29 नंबर, जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदायों में कब विभाजित हुआ? तो यह कब विभाजित हुआ था? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। और जो श्वेतांबर संघ के साधु थे वे श्वेत वस्त्र धारण करते थे और दिगंबर संघ के जो साधु थे वो नग्न रहते थे। 80 नंबर, सुमेलित करें। इसमें सुमेलित करना है, प्रथम बौद्ध संगीति के समय में किसने अध्यक्षता की थी? तो यह थे महाकश्यप। द्वितीय बौद्ध संगीति शबकामी, तृतीय बौद्ध संगीति मोगली पुत्र तीश और चतुर्थ बौद्ध संगीति वसुमित्र ने अध्यक्षता की थी। इस तरह से इसका सही आंसर होगा ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन 81 नंबर, निम्न में से कौन से धर्म पुनः जन्म में विश्वास करते थे? तो जो पुनः जन्म में विश्वास करते थे वो था हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म। ऑप्शन नंबर ए। 82 नंबर, बौद्ध संगीतियों के चार आयोजकों का सही क्रम क्या है? तो सबसे पहले जो बौद्ध संगीति हुई थी वह आजाद शत्रु के समय में कहाँ हुआ था? राजगृह में। दूसरा हुआ था कालाशोक के समय में वैशाली में। तीसरा अशोक के समय में पाटलिपुत्र में। और चतुर्थ हुआ था वो कनिष्क के समय में, यह हुआ था कश्मीर के कुंडन वन में। इस तरह से इसका सही आंसर होगा डी नंबर। 83 नंबर, निम्न में से कौन एक त्रिपिटक का अंग नहीं है? तो त्रिपिटक का अंग नहीं है जातक, सूत, विनय, अभिधम, तीनों त्रिपिटक का अंग है, जातक नहीं है। 84 नंबर, ऋग्वेद में किन दो जैन ग्रंथ जैन तीर्थकरों का उल्लेख मिलता है? तो ऋग्वेद में किन का उल्लेख मिलता है? वो है ऋषभदेव और अरिष्ट नेमी। ऋषभदेव जो हैं वो पहले तीर्थंकर हैं एवं अरिष्ट नेमी हैं वो 22वें तीर्थंकर हैं। 85 नंबर, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। ए है केबलिन। केबलिन कहा जाता था पूर्ण ज्ञानी, केबलिन का अर्थ था पूर्ण ज्ञानी। दूसरा है जीन, जीन का अर्थ था इंद्रियों को जीतने वाला। महावीर अपरिमित पराक्रमी, निग्रंथ का मतलब बंधन रहित। इस तरह से इसका सही आंसर होगा ए नंबर। ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की? तो कहाँ किया था? ये पावापुरी में, जो कि राजगीर में है। कल्प सूत्र के अनुसार पावापुरी में ही इन्होंने प्रथम धर्म प्रवचन दिया था, जिसके कारण पावापुरी को धर्म जैन धर्म के संप्रदाय का सारनाथ भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 87 नंबर, महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष कौन हुआ? तो इसका जो अगला अध्यक्ष हुआ वो सुधर्मन। कौन हुए? सुधर्मन। और ये कौन थे सुधर्मन? इनके शिष्य थे। 88 नंबर, अनुव्रत शब्द किस धर्म से जुड़ा है? तो अनुव्रत शब्द है वो जैन धर्म से जुड़ा हुआ है।
महावीर के अनुसार पांच अनुव्रत होते थे। पहला था अहिंसा, दूसरा सत्य, तीसरा अस्तेय, चौथा ब्रह्मचर्य और पांचवा था अपरिग्रह। ये पांच अनुव्रत हुआ करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 89 नंबर। जैन ग्रंथ कल्प सूत्र के रचयिता हैं, तो कल्प सूत्र के रचयिता हैं वो हैं भद्र बाहु। कल्प सूत्र नामक ग्रंथ में तीर्थंकर पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी के जीवन का वर्णन मिलता है और मान्यता के अनुसार कल्प सूत्र की रचना महावीर के मृत्यु हो गई थी यानी महावीर के निर्माण के 150 वर्ष के बाद किया गया और रचयिता कौन थे? भद्रबाहु। नेक्स्ट क्वेश्चन 90 नंबर। परिशिष्ट पर्व जो कि जैन धर्म से संबंधित रचना है के रचयिता हैं, तो इसके रचयिता हैं वो है हेमचंद्र और यह जैन धर्म से संबंधित है। 91 नंबर। किस जैन रचना में 16 महाजन पदों का उल्लेख मिलता है? तो 16 महाजन पदों का उल्लेख मिलता है भगवती सूत्र में। और अगर बौद्ध साहित्य की बात करें तो अंगुत्तर निकाय में 16 महाजन पदों का उल्लेख मिलता है और जैन साहित्य में भागवती सूत्र में। तो दोनों याद रखना है, बौद्ध साहित्य में अंगुत्तर निकाय और जैन साहित्य में भागवती सूत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन 92 नंबर। जैन तीर्थकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित चार महाव्रतों में महावीर स्वामी में पांचवें महाव्रत के रूप में क्या जोड़ा है? तो पांचवें में जोड़ा था इन्होंने ब्रह्मचर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन 93 नंबर। जैन शिल्पकला के उदाहरण है यह उड़ीसा का बाघ गुफा, खंडगिरी, हाथी गुफा मंदिर। बिल्कुल सही है। राजस्थान का दिलवाड़ा मंदिर, ये भी है जैन से संबंधित। सी भी है श्रवण बेलगोड़ा, कर्नाटक का गोमतेश्वर की प्रतिभा, ये भी है। इस तरह से इसका सही आंसर होगा ए नंबर 1, 2, 3, 4। यह चारों जैन शिल्पकला के उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 94 नंबर। जैन धर्म को अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिए? तो यह गुजरात के चालुक्य ने। 95 नंबर। सूची 1, सूची 2, इसका सूची 1 से सूची 2 को मिलान करवाना है। यह है सूर्योधन थे वो बुध के पिता थे, महामाया बुध की माता, प्रजापति गौतमी या बुध की मौसी या बिमाता थे, यशोधरा इनकी पत्नी थी। आगे देखेंगे 96 नंबर, इसमें भी सूची 1 और सूची 2 को मैच कराना है। यह चना क्या था? गौतम बुद्ध का साथी कंठक इनके प्रिय घोड़ा था। अलार कलाम यह इनके प्रथम गुरु थे और निरंजना नदी के तट पर ही इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इस तरह से इसका सही आंसर होगा ए नंबर। कौन सुमेलित नहीं है? इसमें पांच ऑप्शन दिए गए हैं और इसमें से जो सुमेलित नहीं है वो है ई। बुद्ध का चचेरा भाई का नाम था देवदत्त। बाकी ये चारों ऑप्शन सुमेलित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 98 नंबर। महात्मा बुद्ध किस क्षत्रिय कुल के थे? तो कौन से क्षत्रिय कुल के थे या शाक कुल के थे? 99 नंबर। कौन सुमेलित नहीं है? इनमें से सुमेलित नहीं है वो है डी नंबर। 100 नंबर। सूची 1, सूची 2 को मैच कराना है। महाभिनिष्क्रमण उनके गृह त्याग की घटना को कहा जाता है महाभिनिष्क्रमण। बी है संबोधि यानी कि ज्ञान प्राप्ति की घटना को संबोधि कहा जाता है। धर्म चक्र प्रवर्तन या प्रथम उपदेश को कहा जाता है। महापरिनिर्माण इनकी मृत्यु की घटना को कहा जाता है। इस तरह से इसका सही आंसर होगा ए नंबर। 101। बुद्ध में वैराग्य भावना किन चार दृश्यों के कारण
बलवती हुई। तो वो चार दृश्य कौन से थे? वह था बूढ़ा यानी बूढ़ा आदमी, रोगी, लाश और सन्यासी। ये चार दृश्य ही इनसे संबंधित है। 102 नंबर, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? इन्होंने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए थे। आगे देखेंगे 103 नंबर, बुद्ध चरित जिसे बौद्धों का रामायण कहा जाता है के रचनाकार हैं? तो बुद्ध चरित के रचनाकार कौन है? वो है अश्वघोष। सही आंसर होगा ए नंबर, अश्वघोष। 104 नंबर, महाविवाश शास्त्र के रचयिता हैं? तो इसके रचयिता है वसुमित्र। आगे देखेंगे 105 नंबर, कौन सी बौद्ध रचना गीता के समान पवित्र मानी जाती है? तो वो कौन सी रचना है? इसका सही आंसर होगा बी नंबर, धम्म। धम्म जो है वो बौद्ध साहित्य का सर्वोत्कृष्ट लोकप्रिय ग्रंथ है, इसलिए इसे गीता के समान माना जाता है। और इसकी रचना यानी कि धम्म का जो धम्म पद की जो रचना हुई थी वह 300 से 100 ईस्वी पूर्व में इसकी रचना हुई थी धम्म पद की। आगे देखेंगे 106 नंबर, बौद्ध धर्म में भावी बोधिसत्व या भविष्य के बोधिसत्व किसे माना गया है? तो इसे माना गया है मैत्रेय को, ऑप्शन नंबर डी, मैत्रेय। 107 नंबर देखेंगे, किसके समय में बौद्ध धर्म अस्पष्ट दो स्वतंत्र संप्रदायों यानी कि हीनयान एवं महायान में विभाजित हुआ था? तो कब हुआ था? यह कनिष्क के समय में विभाजित हुआ था। 108 नंबर, योगाचार्यान विज्ञानवाद के प्रतिपादक थे? तो इसके प्रतिपादक थे मैत्रेय नाथ थे, ऑप्शन नंबर बी, मैत्रेय नाथ। 109 नंबर, सूची 1 है, सूची 2 को सुमेलित करना है। ब्रजपानी जो था इंद्र देवता के तुल्य था। पदपानी या अवलोकितेश्वर, मंजुश्री बुद्ध को प्रखर करने वाला, अमिताभ स्वर्ग के देवता। इस तरह से इसका ए होगा सही आंसर। आगे देखेंगे 110 नंबर, भारत में दक्षिण की ओर के देशों में बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय प्रचलित हुआ? तो दक्षिण के ओर जो हुआ था हीनयान प्रचलित हुआ था। 111 नंबर, भारत में उत्तर की ओर के देशों में बौद्ध धर्म का जिस संप्रदाय का प्रचलन हुआ था उसका नाम है? तो उत्तर की ओर हुआ था महायान, दक्षिण की ओर हुआ था हीनयान और उत्तर की ओर हुआ था महायान। और यह भारत से प्रारंभ होकर के उत्तर के अन्य एशियाई देश जैसे कि चीन, जापान, कोरिया, ताइवान, तिब्बत, सिंगापुर, ये सब देशों में प्रचलित हुआ था। आगे देखेंगे 112 नंबर, बौद्ध धर्म का मूलाधार है? तो बौद्ध धर्म का मूलाधार है वो है चार आर्य सत्य, ऑप्शन नंबर ए, चार आर्य सत्य। और ये है कौन कौन से चार आर्य सत्य? तो पहला है दुख, दूसरा है दुख समुदाय, तीसरा है दुख निरोध और चौथा है दुख निवारण। 113 नंबर, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में शामिल नहीं है? तो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में शामिल नहीं है डी नंबर, वो है मध्यम मार्ग। 114 नंबर, बौद्ध धर्म को भारत में अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिए? तो इसका सही आंसर होगा बंगाल के पाल शासक ने। पाल राजवंश थे उनको गुप्त राजवंश भी कहा जाता था, और पाल राजवंश थे जो मुख्यतः भारत के पूर्वी भाग में विशाल साम्राज्य स्थापित किए थे, और इन्होंने ही वस्तुकला को बढ़ावा दिया था। इन्होंने यानी कि पाल राजवंश ने वस्तुकला को और बौद्ध धर्म दोनों को बढ़ावा दिया था। और पाल जो थे जनरली हिंदू शासक थे परंतु यह बौद्ध धर्म को भी मानते थे। आगे देखेंगे 115 नंबर, सूची 1 सूची 2 बौद्ध शिक्षा का केंद्र और इधर है संस्थापक। तो पहला क्या है? नालंदा, नालंदा के संस्थापक, नालंदा विश्वविद्यालय का कुमार गुप्त, गुप्त वंश के थे। दूसरा क्या है? ओदंतपुरी, इसके संस्थापक गोपाल। तीसरी है विक्रमशिला, इसके संस्थापक धर्मपाल। और बल्लवी, इसके संस्थापक
भट्टाक यानी मैत्रक वंश के थे। तो इसका सही आंसर होगा ए नंबर। आगे देखेंगे 116 नंबर। अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका क्रोड सिद्धांत एवं दर्शन है? तो ये किसका है? जैनमत का। 117 नंबर। महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है और किसके लिए की जाती है? तो यह है बाहुबली से संबंधित, और इसका अर्थ होता है बड़े स्तर पर आयोजित होने वाला अभिषेक, जिसमें सबसे प्रचलित क्या था? महामस्तकाभिषेक सबसे प्रचलित था, और यह गोमतेश्वर के बाहुबली का था जो 12 वर्ष के अंतराल में श्रवण बेलगोड़ा शहर में आयोजित किया जाता था। यह बाहुबली से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 18 नंबर। 118 है। जैनियों का विश्वास है कि जैन मत 24 तीर्थकरों की शिक्षाओं का परिणाम है। इस कथन के आलोक में निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्धमान महावीर के विषय में सही है? तो इसमें सही होगा कि वे अंतिम और 24वें तीर्थंकर थे जिसे इस नए धर्म का संस्थापक नहीं माना गया बल्कि वर्तमान धार्मिक संप्रदाय का सुधारक भी माना जाता है। इसका सही आंसर होगा सी नंबर। 119 नंबर। वह आदितम बौद्ध साहित्य जो बुद्ध के विभिन्न जन्मों की कथाओं के विषय में है क्या है? तो वह है जातक, ऑप्शन नंबर डी जातक। 120 नंबर। जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण है तो कौन है? वो है सार्वभौमिक सत्य से हुआ है, यानी कि जैन के अनुसार दृष्टि की रचना एवं पालन पोषण कैसे हुआ है? सार्वभौमिक सत्य से हुआ है। 122 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित था? तो वह निरंजना नदी पर स्थित है बोध गया, जहां इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। 122 नंबर। गौतम बुद्ध का गुरु कौन था? तो गौतम बुद्ध का जो प्रथम गुरु थे वो अलार कलाम थे, और इनसे संन्यास काल में शिक्षा की प्राप्ति की थी। अलार कलाम जो थे इनसे ही संन्यास काल में शिक्षा की प्राप्ति की थी। आगे देखेंगे 23 नंबर। प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान था? तो दोनों में समान रूप से विद्यमान था वो है ऑप्शन नंबर ए है तप और भोग की अति का परिहार। ये नहीं होगा, गलत है। इसका दूसरा ऑप्शन है वेद प्रमाण के प्रति अनास्था, बिल्कुल सही है। कर्मकांडों के फलवत्ता का निषेध, यानी दूसरा और तीसरा सही है। इसका सही आंसर होगा बी नंबर। 124 नंबर। महात्मा बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा युक्त दिखाई गई है जिसे भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है, या किसका प्रतीक है? तो ए नंबर है मार पर दृष्टि रखने एवं अपने ध्यान में विघ्न डालने से मार्ग को रोकने के लिए बुद्ध का धरती का आह्वान। ए सही है, बी भी सही है। तो इसका सही आंसर होगा डी नंबर, यानी कि ए और बी दोनों सही है। आगे देखेंगे 125 नंबर। राजगृह वैशाली और पाटलिपुत्र में निम्नलिखित में कौन सी एक समानता है? तो ये तीनों में क्या समानता है? तो ये वही स्थान है जहाँ बौद्ध संगीति हुई थी। पहला बौद्ध संगीति राजगृह में हुई थी, दूसरा वैशाली में हुई थी, तीसरा पाटलिपुत्र में हुई थी। तीनों जगह पे बौद्ध संगीति हुई थी, तीनों बिहार में है। तो इसका सही आंसर होगा डी नंबर, वहाँ जहाँ बौद्ध संगीति हुई थी। 126 नंबर। बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? इन्होंने अपनी जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु बिताई थी कुशीनगर में, और यह कुशीनगर जो था उस टाइम हिरणवती नदी के तट पर स्थित था। आगे देखेंगे 127 नंबर, यानी आज का लास्ट क्वेश्चन है ये। अशोकराम बिहार निम्नलिखित में किस स्थान पर स्थित था? तो अशोकराम जो था वो पाटलिपुत्र में स्थित था, और यहीं पास पाटलिपुत्र के अशोकराम नामक स्थान पे ही तृतीय बौद्ध संगीति
का आयोजन हुआ था अशोक के समय में। तो इस तरह का आज के लेक्चर कंप्लीट हो गए। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, एवं अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करें। यह आज का एक टॉपिक था धार्मिक आंदोलन, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, सभी एग्जामिनेशन में इससे प्रश्न आते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।